दोस्तों आज के स्टूडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं क्रिएटिव कॉमन के बारे में कि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वीडियो को क्या हम आज 2020 में यूज़ कर सकते हैं, क्या इससे चैनल हमारा मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। इसके बारे में आपको मुकम्मल जो है तफसीलात के साथ बताएंगे कि आपने क्रिएटिव कॉमन जो लाइसेंस वीडियो होती है उनको कैसे यूज़ करना है ताकि आपका चैनल मोनेटाइज है तो वो मोनेटाइज रहे, और अगर मोनेटाइज नहीं है तो आप उन वीडियो को यूज़ कर जो है वो अपना चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आपने जो है वीडियो एडिट करनी है, उसमें आपने क्या चेंजिंग करनी है ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना पेश आए और आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए। आपको थोड़ा सा बताते चलें कि क्रिएटिव कॉमन जो लाइसेंस वीडियो होती हैं वो रीयूज उनका अलाउ होता है। आप यूट्यूब से उनको डाउनलोड कर सकते हैं, कॉमन लाइसेंस की जो वीडियो है उसको किस तरह से एडिट करके यूज़ करना है ताकि वो रीयूज में ना आए और इससे हमारा जो चैनल है अगर मोनेटाइज है उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर मोनेटाइज नहीं है तो वो मोनेटाइज हो जाए। तो चलें आपको स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमने एक वीडियो डाउनलोड करके रखी हुई है तो उसको आपको ऐड करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपने ये अपने जो है जिस तरह हमने काइन मास्टर जो भी आपके पास एडिटर है उसमें है, सबसे पहले ये देखिए हम जा रहे हैं और सबसे पहले उस वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। वो कहाँ पड़ी है हमारे पास, ये डाउनलोड में रखी थी हमने, ये पड़ी हुई है हमारे पास क्रिएटिव कॉमन वीडियो। ये इसको आपको दिखा देते हैं, ये देखें ये आप ऊपर लोगो भी देख सकते हैं, ये हमने डाउनलोड की हुई है और इसको आपको एडिट करके दिखाएंगे और ये आप पूरी वीडियो यूज़ कर सकते हैं। इस पर आपको किसी तरह का कुछ भी नहीं आपको फेस करना पड़ेगा, स्ट्राइक वगैरह या उसके अलावा रीयूज़ वगैरह। ये देखें सबसे पहले आप इसके जो है स्टार लोगो वगैरह उस चैनल के वो काट देंगे। देखा हमने शो से इसको ट्रिम कर दिया। इसी तरह अगर इसके एंड पे भी कोई आउटरो वगैरह है तो उसको भी आप यहाँ से इसको ट्रिम कर दें, दोनों साइड से ये ट्रिम हो गया। ये देखें ये आपकी वीडियो तकरीबन ये, अब आपको ये ऊपर आप देख सकते हैं ये इनका जो लोगो है हमने ये भी ख़त्म करना है। तो आप आ जाएँ क्रॉप में, यहाँ पे आपने दोनों तरफ से सिलेक्ट करके इस वीडियो को थोड़ा सा जूम में लेके आना है और वो देख ये हमारा जो लोगो है ये भी हाइड हो गया है और ये थोड़ी सी वीडियो जो है हमारी जूम हो गई है। ये अब जो इसका थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आ रहा है इसको हम देख लेते हैं कि इसको जो टेक्स्ट है ये हमने थोड़ी सी वीडियो यहाँ पर ले आते हैं। आप देख लेते हैं कि जो ऊपर इसके लिखा हुआ है वो ठीक आ रहा है कि वो भी, ये देखें ये अब ठीक हो गया, तकरीबन सेंटर में है। इस वीडियो को हम प्ले कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने लगा। तो देखते हैं ये आप देख रहे हैं ये पूरी वीडियो है, हमने इसको पूरी को यूज करना है। तो ये देखो ठीक है, अब हमने इसके जो था इसको क्रॉप वगैरह कर लिया। तो अब अगला मरहला जो है उसमें हम इसका करेंगे, आपने आना है यहाँ पर कलर फिल्टर के नीचे कलर एडजस्टमेंट, यहाँ पे आपने थोड़ा सा जो इसका कलर है वो ज़्यादा करना है और इसी तरह थोड़ा सा आपने कंट्रास्ट ऊपर करना है और इसी तरह ब्राइटनेस। देखिए कि वीडियो बस ठीक लगे, बस थोड़ा थोड़ा उनको चेंज कर देना है आपने। और इसको हमने ओके कर दिया, इसका जो है कलर भी हमने चेंज कर लिए हैं। अब हमने इसकी आवाज़ पे आना है, ये देखिए हम इसके आ गए हैं और इसका आपने वॉल्यूम थोड़ा सा इनक्रीज करना है। ये कंप्रेसर के नीचे आप देख सकते हैं इसको आप राइट पे कर देंगे और इसको लेफ्ट पे, और ये जो है ये चीज़ इसको आपने ज़ीरो पे ले आना है, माइनस बल्कि माइनस 100 पे ले जाएंगे। और उसके बाद जो इसकी
पिच है उसको आप एक से दो पॉइंट चेंज कर दें। ये चेंज कर दिया आपने, अब देखें ये जो वीडियो है हमारी ये देखिए थोड़ा सा जो है साउंड उसका चेंज हो गया, आवाज़ की पिच चेंज हो गई। अब आपने ये दो काम कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसके स्टार्ट पे अपना इंट्रो लगा लेना है, ठीक है। जो भी आपका इंट्रो है वो आप स्टार्ट पे अपना इंट्रो लगाएं, जिस तरह हम यहाँ से कोई भी एक वीडियो लगा लेते हैं। ये आपने स्टार्ट पे भी अपना इंट्रो लगा लेना, और इसी तरह इसके जो एंड पे है वहाँ पे भी आपने सब्सक्राइब या अपना अगर आउट्रो वगैरह आपने बनाया है वो एंड पे लगा दें। और अगली जो ख़ास बात, ये आपकी वीडियो तकरीबन कंप्लीट तैयार है, इसमें आपने कुछ नहीं करना है। अब आपने यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है इसके शुरू और आखिर में। अगर आप थोड़ा सा अपनी वॉइस इसमें ऐड कर दें यहाँ पे कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब कर दें कुछ सेकंड की इसके एंड पे, और अगर हो सके तो इसके स्टार्ट पे भी अगर आप थोड़ी सी वॉइस अपनी लगा दें। अगर स्टार्ट पे आप नहीं लगाना चाहते तो इस तरह करें कि आप एंड पे लाजमी लगाएं, और सेंटर में किसी जगह के कुछ भी कुछ सेकंड के लिए आपकी आवाज़ वीडियो में दो जगह पे आपने लगा लेनी है। तो उसके बाद ये आपकी तकरीबन जितनी भी वीडियो है, जितनी भी ये आपकी वीडियो, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये रिव्यूज़ में नहीं आएगी। और अगर फिर भी आपका थोड़ा सा और भी इसको चेंज करना, अगर आप अच्छे टाइम आपके पास है तो ये देखिए आपको एक और चीज़ बताते हैं। ये देखें यहाँ पे जितना ये साउंड है, हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे ऐड में आके यहाँ पे इसको हमने ये कट करके इसको सर्च कर लिया। अब यहाँ पे आपने इसके साउंड को कर देना है स्टॉप, ठीक हो गया। ये स्टॉप कर दिया हमने इसका साउंड। इसके साउंड की जगह आप इस तरह करें, यूट्यूब का जो फ्री म्यूज़िक है जिस तरह हमने भी सेव करके रखा हुआ है तो वो म्यूज़िक लगा लें। जहाँ पे इसमें बंदा बोल रहा है वो उसको आप वही रहने दें, जबकि जहाँ पे म्यूज़िक है उस म्यूज़िक को आप चेंज कर दें। ये देखें हमने ये जो फ्री म्यूज़िक है वो रखा हुआ है, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे, और जितनी जगह पे हमने उसको स्टॉप किया है उतना उसको हमने कट कर दिया। ये देखें अब जो इसका म्यूज़िक था वो स्टॉप हो गया वीडियो का। हाँ ये वीडियो का ओरिजिनल है, पर जितना भी आप करें ये देख रहे हैं इसमें जितना म्यूज़िक है आप सारा म्यूज़िक स्टॉप कर लें। तो एक मिनट ये देखें यहाँ अब बंदा बोला है आपने क्या कर देना है, इसको भी यहाँ से काट लें, इसका भी म्यूट कर दें, इसको भी हमने म्यूट कर लिया क्योंकि यहाँ पे उनका साउंड है। प्रॉब्लम इस साउंड में कोई भी नहीं है अगर वो भी रहने दें, क्योंकि आपने अगर वॉइस ओवर कर दिया तो फिर तो गुड हो गया। अब ये देखते हैं एक मिनट, ये देखें जो आप इसमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अगर इस ये तो आप अगर अपनी वॉइस में कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर जिस जगह ये बंदा बोल रहा है इसकी जगह भी अगर आप वॉइस ओवर कर देंगे तो ये तो बस बिल्कुल ही गुड हो जाएगा। अगर आप वॉइस ओवर उसकी जगह नहीं कर सकते तो इतना कर लें जहाँ जहाँ उनका साउंड है वो काट लें, और जहाँ पे वो बोल रहा है उसकी पिच आपने चेंज की हुई है बस वही काफ़ी है। और दो जगह पे या एक जगह पे आप वॉइस ओवर लास्ट में लगाएं। एक मिनट अब ये देखते हैं ये जितना बोलता है उसके बाद आपने फिर कैसे याद करना है। ये इतनी देर वो बोला है आपने इसके बाद दोबारा इस वीडियो को यानी कि काट लिया। यहाँ पे हमने ओरिजिनल साउंड रहने दिया क्योंकि वहाँ पे वो बता रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे वो फिर म्यूजिक चल पड़ा है, ठीक है। ये देखें यहाँ तक उसने म्यूजिक चलाया, आपने फिर इसको इस हिस्से को हमने काट लिया। यहाँ पे इसको फिर हम म्यूट करेंगे, यहाँ पे आपने फिर कोई म्यूजिक लगा दें अपनी तरफ से जो आपके पास जो
पड़ा हुआ है, आपने फ्री म्यूजिक डाउनलोड करके रखे हुए हैं जो यूट्यूब से, वो लगाएं आप यहाँ पे। ठीक है, ये एक मिनट आपको इसको, हम इसको यहाँ से अगला हिस्सा काट देंगे। ये देखें, अब एक मिनट ये देखें कैसे है, अभी थोड़ी सी आपको सारी चला देते हैं। ये देखिए, आपको अब समझ आ गई होगी जहाँ पे वो बोल रहा है आप उस जगह को रहने दें। अगर वॉइस ओवर कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, अगर वॉइस ओवर नहीं करनी, जहाँ पे म्यूजिक है आप वो म्यूजिक काट के अपना लगा लें, और वॉइस ओवर कर देंगे तो ये बहुत ही आपके लिए फिट हो जाएगा। मोनेटाइजेशन आपकी ऑन है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी तरह अगर आपने क्रिएटिव कॉमर्स पे काम करना है तो आप आसानी के साथ इस तरह से एडिट कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है क्रिएटिव कॉमन की वीडियो को एडिट करके उनको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि ये रीयूज अलाउ होता है तो इसमें सिर्फ एडिट कर लें थोड़ा सा, और थोड़ा सा आप वॉइस ओवर कर लें कि वो रीयूज में ना आए।